दोस्तों जियो की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो दिवाली ऑफर में अगर आप जियो स्टोर से 2500 और उससे ऊपर का कुछ भी आप बाय करते हैं, सामान वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको एक साल का फ्री रिचार्ज मिलेगा, मतलब एक साल की वैलिडिटी मिलेगी और आपको 1.5 GB नेट पर डे मिलेगा। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जियो जो है कब इंडिया में लॉन्च हुआ था, पता है तो बताए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। 27 दिसंबर 2015 में पहली बार जियो जो है अपना सिम को लॉन्च किया था। इस तरह ही कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आपको ये चीज पता है, कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजाकान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि इनमें से आपके पास क्या है। 64% लोगों ने कहा कि ATM डेबिट कार्ड है, 14% लोगों ने कहा कि क्रेडिट कार्ड है और 14% लोगों ने कहा नेट बैंकिंग, और 7% लोग ऐसा बोल रहे कि हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है। जैसे अभी हम सऊदी में है तो हमारे पास भी ओनली अकाउंट है, उसमें पैसे नहीं है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट। पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो बात करते हैं टोयोटा की और सुजुकी की। ईवी व्हीकल बनाने के लिए ये दोनों कंपनी आपस में कोलेबोरेशन कर लिया है और आने वाले टाइम में टोयोटा और सुजुकी ये दोनों मिलकर कार वगैरह बनाएंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। अगली अपडेट आ रही है नोकिया 110 4G, ये जो है फ़ोन लॉन्च कर दिया है। 1000 mAh की बैटरी, LCD डिस्प्ले और इसकी प्राइस निकल के आई है 2499 रुपये, लेकिन 4G सेट है तो लेना चाहेंगे आप। कीपैड वाला देखने में तो काफ़ी कूल लग रहा है। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने M4 iMac लॉन्च कर दिया है जिसका प्राइस जो है थोड़ा सा तरंगी है। 8-कोर वाला, मतलब M4 जो चिप है इनका, उसका 8-कोर वाला अगर आप CPU वाला लेते हैं तो 1,34,900 रुपये पड़ेगा, जिसमें आपको 16 GB का रैम और 256 GB का SSD देखने को मिलेगा। वहीं उससे ऊपर वाला लेंगे 10-कोर वाला तो वहां पर आपको लगभग 16 GB का रैम और 256 GB इंटरनल मेमोरी के साथ 1,54,900 रुपये पड़ेगा, और सबसे ऊपर वाला वेरियंट 1,74,900 पड़ेगा जिसमें 10-कोर CPU देखने को मिलेगा, जिसमें 16 GB का रैम और लगभग यहाँ पर 5 GB का रैम और 512 GB का SSD देखने को मिलेगा। इस तरह का कुछ है, लेना चाहेंगे आप कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है iPhone का SE4। ऐसा बताया जा रहा है कि A18 बायोनिक चिप और 5G कन्फर्मेशन, 5G मॉडम की कन्फर्मेशन आ चुकी है और Q1 2025 में ये लॉन्च होगा। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वक्त होता आपके सवाल लेने का। सरफराज जी का सवाल है, Realme 12 Pro Plus में ऐसा बताया जा रहा है कि नया अपडेट आ गया है 2.07 GB का, तो इन्होंने पूछा है क्या इसको अपडेट करना चाहिए और अपडेट करेंगे तो कैमरा खराब होगा, तो 100% कैमरा डाउन होगा, तो अपडेट मत करिए, अभी चलाइए। जब Realme UI 6.0 काफ़ी जल्दी आ जाएगा, जब आएगा तो आप उसको अपडेट कर। अगली अपडेट आ रही है Redmi Note 14 की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि 10 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसा बताया जा रहा है कि Xiaomi का वॉच S4 29 अक्टूबर को लॉन्च होगा, कल हमने बता दिया था, लेकिन फर्स्ट लुक आज देख लीजिए और इसका ऊपर का जो डायल है वो चेंज होता है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको जो भी लगता है जरूर। अगली अपडेट आ रही है Realme GT 7 Pro की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है 3 कलर पर आएगा, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रे कलर पे, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैसा लगा आपको। साथ ही साथ ये कॉर्ड कर्व, मतलब चारों तरफ से कर्व इसका डिस्प्ले होगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है iQOO न्यू 10, इसकी स्पेसिफिकेशन लीक हो गई है। 8th Gen 3 के साथ आएगा, 144Hz का डिस्प्ले होगा, 50+8 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, 120W का फास्ट चार्जिंग के साथ ये आएगा और 8th Gen 3 के साथ आएगा, तो इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है ओप्पो का Find X8, ये जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है, ऑफिशियली टीज हो गया है, इस तरह की कुछ अपडेट है। वहीं अगली अपडेट आ रही है OnePlus का 13, 4D वाइब्रेशन के साथ ये देखने को मिलेगा, IP68 और 69 का यहाँ पर रेटिंग देखने को मिल रहा है इस फोन में, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है Oppo का Find N5, ये जो है स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिप के साथ आने वाला है, 50MP का इसमें कैमरा होगा, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है OnePlus की। ऐसा बताया जा रहा है कि OnePlus का एक 5000 mAh बैटरी वाला मैग्नेटिक पावर बैंक आने वाला है बहुत ही जल्दी, जो देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल जो है अपने कुछ शॉर्टकट्स को पॉलिश कर दिया है और बहुत ही जल्दी ये विंडोज़ 11 में अपडेट आने वाली है। साथ ही साथ गूगल का पिक्सल 11, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है इसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा, इस तरह की कुछ टीज़र आ रही है, लेना चाहेंगे आप ये वाला फ़ोन कमेंट में जरूर बताइए।
अगली अपडेट आ रही है Honor Magic 7 Pro, ऐसा बताया जा रहा है कि ये फ़ोन आने वाला है और इसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है टेक्नो मेगा पैड 10 टैबलेट जो है ये आने वाला है और बहुत ही जल्दी, हीलियो का G80 प्रोसेसर के साथ 7000 mAh की बैटरी होगी और देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली अपडेट और लास्ट अपडेट नथिंग फोन 2 के तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि इसको नया अपडेट आ गया है नथिंग OS जो 56 MB का है, तो इसको अपडेट करिए, इसमें बहुत सारी चीज़ मिलेगी। तो दोस्तों टेक न्यूज़ हम थोड़ा आज फास्ट दिए क्योंकि अभी हमें निकलना है कहीं और, तो थोड़ा सा आप लोग आज एडजस्ट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछे, और आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाकर वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के